तो हेलो मेरे प्यारे भाई का सब का बस करता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। सवाई लोग अगर आप कुछ मैसेज टाइप ऑफ रेटिंग करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जरा से स्किप ना करें, फुल वॉच करें। तो दोस्तों अगर आप तक अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप सभी का टाइम गवाई वीडियो करते शुरू। दोस्तों आज अगर अपने ओरियन पिक के अंदर दोस्तों सबसे पहले अपने ओरियन पिक को कर लेते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर। दोस्तों हमारी पिका जी का स्नैपचैट ऐप के अंदर सो दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको नहीं करना है, एक यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे डॉक टॉक्स है उस पर टैप करने के बाद उसका इस तरह और इसको जूम करके इस तरह दोनों हाथों से करके थोड़ी इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और फिर से इस पर टैप करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद फिर से वहीं पर जहाँ पर डॉक टॉक्स दिख रहा होगा वहाँ पर छोड़ देंगे, उस तरह करके इसे थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सेटिंग थोड़ा माइनस कर देंगे। दोस्तों हमारा काम यहाँ से यहाँ पर सिंपली ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे राइट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों ऊपर नंबर ऊपर शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से पहले इसको कर लेते हैं लाइट के अंदर शेयर। वीडियो को जरा स्किप ना करें अगर आपको एडिटिंग करना सीखने बिल्कुल अच्छी तरह हार्ड से स्मूथ करना सीखना है हार्ड बिल्कुल अच्छी फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो वीडियो को जरा स्किप ना करें और वीडियो को फुल फुल हो चुका है। तो दोस्तों हम अभी अपने लाइट में आपके अंदर दोस्तों को यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कलर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ये, इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें मिक्स कलर मिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है। मिक्स वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें साइड सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और उसकी थोड़ा सेटिंग को थोड़ा माइनस कर देंगे और उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि मैं फेस पर थोड़ी लाइट दिख सके। फिर हमारा ऐसे काम खत्म हो चुका है, थोड़ा नीचे फिर उसके वाइब्रेशन को भी कर देंगे। तो हमारा यहाँ से भी इतने काम तो हमारा ऐसे काम खत्म हो चुका है, एकदम सिंपली इसको शेयर कर देंगे अपने स्नैपचैट के अंदर हमारे साथ स्नैपचैट सिंपली हमारा फोटो जो है स्नैपचैट के अंदर तो कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल नीचे करना है और ये डबल स्क्रॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद अपने इस बैकग्राउंड का फोटो ले लेना है। वो बैकग्राउंड का लिंक आपको सबके पीएनजी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को। दोस्तों ले लेते हैं बैकग्राउंड और उसको यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये उसका फुल कर देना है और राइट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक नहीं करना है, यहाँ जाने के बाद ये एरो वाला निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद डबल स्क्रॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सब फोटो थोड़ा जूम करके इस तरह से ड्रॉ कर दें। दोस्तों धीरे धीरे करना पड़ेगा, आराम से करना ताकि आपका फोटो और अच्छा और अट्रैक्टिव बन सके। दोस्तों अगर आप तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जरा मैं थोड़ा जल्दी कर लेता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो दोस्तों हमारा फोटोग्राफी जगह बिल्कुल कम्प्लीट देखें कितना अच्छा और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, राइट वाला आइकन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है और हमारे फोटो ऐसा तो यहाँ से सिंपली जहाँ पर चलना है और यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको यहाँ पे टूल्स वाले पर क्लिक करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको डबल एक्सप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से आपको एक पेंजी ऐड कर लेनी है, उस पेंजी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एड पेंजी है, इसको फिर आप यहाँ पे यहाँ पे जो बीच में आइकन दिख रहा है आपके इसको क्लिक करने के बाद आप इसको कर लेते हैं ऐड, हम इसको कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे राइट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इस एरो वाले आइकन पर जाना है और फिर से व्यू एरो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे डबल स्क्रॉल वाले पर क्लिक करने के बाद सब यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपने क्लोज के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह ताकि हमारा फोटो और भी अच्छा अट्रैक्टिव दिखे मेरे बैकग्राउंड से भी अच्छा लगे। सो दोस्तों बहुत धीरे धीरे से करना होगा ताकि हमारा फोटो और भी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, पूरा दिक्कत ना आए,
उसको भी धीरे धीरे से कर लेना, पूरे अच्छी तरीके से ड्रो, आप भी अच्छी तरह से ड्रो कर लेना। दोस्तों अगर हमारे क्लोथ्स के ऊपर या हमारे फेस के ऊपर चल जाए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से इस वाले आइकन पर उसको फुल जीरो कर देते हैं, और जीरो करने के बाद तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ड्रो गया वहाँ वहाँ पर फेर देंगे, इस तरह ड्रो करने के बाद यहाँ से हट जाएगा निशान, और फिर से यहाँ पे इसको फुल अंडर करने के बाद फिर इस तरह फेर देते हैं, फिर यहाँ पर फुल हो जाएगा। सोचो फिर सिंपली कुछ नहीं करना, हमारा फोटो बन सकेगा पूरा तैयार, आपको राइट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, वापस बैक आ जाएगा। दोस्तों को हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ एक काम हो चुका है, वो अपने करते हैं बटरफ्लाई, तो सिंपल कुछ नहीं करना, टूल्स वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद डबल एक्सप्लोजर पर क्लिक करने के बाद फिर से आपने ईमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से अपने बटरफ्लाई के पीएनजी ले लेते हैं। अच्छी तरह सेट करने के बाद हम आप सिंपली कुछ नहीं करने के, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हम कर देते हैं लाइट वाले क्लिक करना देखेंगे, तो यहाँ से सिंपल हम लाइट कर देंगे, हमारा फोटो बन जाएगा तैयार। सो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर सकते, पता है लाइक यूट्यूब पर हमारे चैनल नहीं होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करने के, और शेयर वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।